और आज हमने शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया है। हमारे साथ नमन हमें यहाँ छोड़ने आया है। वो अभी हम अपने ओला में बैठ चुके हैं, अभी हमने नाश्ता करने के लिए कहा है। पर हम कैसे नाश्ता कर रहे हैं इतने सुबह, मतलब इतनी रात को? हमने घर पहुँच गए थे 9 बजे। पुश्तैनी घर मेरा। आगे जा रहे हैं राजमहल की तरफ। हम ग्लैंड नेचर वॉक में पहुंच चुके हैं। हमारे पूरे पैर गंदे हो चुके हैं, जैसे देखिए पैर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवांस स्टडी, राहुल और हर्ष, यहाँ की मेन एंट्रेंस है। राहुल महाराज चलते हुए। तो हमने सोचा है यहाँ से मोला करेंगे, अगर मिल गए। आने जा रहे हैं हॉल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत अर्श के शैम्पू के साथ हुई है। ये है मेरे घर के सामने से ऐसा व्यू। मुझे गिरा देगा ये घोड़ा। बना ही रहा हूँ। फोटो खींच देना। अभी हम कुफरी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। वहाँ राहुल आगे जब बढ़ता हुआ देख ही सकते हैं, पगडंडियों में जा रहे हैं। कितना प्यारा रास्ता है। हाँ, जो हमारे पास नहीं है, और वो हीरा भी है। अभी हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर आगे चल के 50 फुट गहरा झरना था, आ गया था। तो दोस्तों हम एक डेड एंड पे पहुँच चुके हैं, हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। यदि आप देख ही सकते हैं 50 फुट गहरा नीचे झरना है ये। आराम से भाई। और ये पोहप और अर्श आते हुए, हालत खराब है, आगे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो देख सकते हैं पीछे वाटरफॉल है, ये हमारा पुल है, ये हम हैं, और ये हमारा ट्रैकिंग हो रही है। हम ग्लेन के काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम तत्ता पानी पहुँच ही गए। यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं रुक चल रही हैं। हम तो राम बाजार से होते हुए माल रोड की तरफ जा रहे हैं, पहुंचना है। तो हमने एक एक पॉकेट ट्रेन को खरीद लिया। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। व्यू देख रहे हो। और हम राम बाजार से नीचे की तरफ जा रहे हैं।